महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बीच सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी बचाने की लड़ाई तेज हो गई है। शिवसेना नेता लगातार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन राज्यपाल सुनने को तैयार नहीं है। इधर शिवसेना नेताओं में अब धीरे धीरे बेचैनी बढ़नी शुरू हो गई है। एक बार फिर राज्य मंत्रिमंडल ने विधान परिषद की खाली पड़ी 2 सीट में से 1 सीट पर मनोनीत करने की अपनी सिफारिश दोहराई है। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से निवेदन किया गया है कि उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य जल्द ही मनोनीत किया जाए। इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत भी बीजेपी और राज्यपाल पर निशाना साध चुके हैं। शिवसेना नेता चारों ओर से राज्यपाल पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन राज्यपाल अभी तक इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस समय ना तो विधान परिषद के सदस्य हैं, ना ही विधानसभा के। अगर 27 मई से पहले वो इन दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाते तो राज्य में एक अभूतपूर्व राजनीतिक और असंवैधानिक संकट हो सकता है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, साथ ही राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार का पतन हो सकता है। इस राजनीतिक और संवैधानिक संकट को टालने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने गत 9 अप्रैल को राज्यपाल को ये प्रस्ताव भेजा था कि कोरोना वायरस की वजह से चुनाव आयोग ने विधान परिषद के चुनाव स्थगित कर दिए हैं, इसलिए उद्धव ठाकरे का निर्वाचन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में राज्यपाल द्वारा नामित होने वाली विधान परिषद की जो 2 सीटें खाली हैं, उनमें से 1 सीट पर राज्यपाल उद्धव ठाकरे को मनोनीत करें। हालांकि शिवसेना नेताओं की छटपटाहट का राज्यपाल पर अभी तक कोई असर नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि उद्धव के भविष्य